मेरे इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहा था, लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा क्लोथ बिजनेस है, फिर हमारा क्लोथ ब्रांड हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप एक क्लोथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इसका मार्केट आज का टाइम कितना बड़ा है। तो सबसे पहले मार्केटिंग की बात करें तो यार आज के टाइम ना क्लोथिंग बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि यार आप मार्केट में आए, अपनी क्लोथ बिजनेस स्टार्ट किए और आप रातों रात सक्सेस हो गए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है कि आज के टाइम बहुत सारे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लायर भी मार्केट में आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस में एक यूनिकनेस होनी ही चाहिए। बट वो यूनिकनेस से पहले हम समझेंगे कि कैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं, आपको 8 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपना क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर दो और लाइक नहीं किया तो वो कर दो, उससे एंगेजमेंट बढ़ती है, मेरा प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहला दोस्तों चूज अ नीश। दोस्तों क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें वैरायटी भी बहुत टाइप की होती है, बट सबसे पहले आप एक नीश में काम करो। नीश इन द सेंस क्या होता है, कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, वो क्या कुछ भी हो सकता है, लाइक शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, ट्रैक सूट हो गया, ट्रैक पैंट्स हो गया, लोवर्स हो गया, या फिर शूज हो गया। तो ऐसे ही आप एक नीश चूज कर लो, उसके बाद जाके उस प्रोडक्ट की आप रिसर्च करो। बट जब भी आप एक नीश सेलेक्ट करते हो उससे पहले आप देख लो कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है। कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे उससे पहले ये देखना कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि एक शर्ट, आप अगर शर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप पहले मार्केट रिसर्च करो कि यार मार्केट में शर्ट की कितनी डिमांड है और मार्केट में सप्लायर कितने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ आपके एरिया में ये प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, देन जाके आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला एक नीश सेलेक्ट कर लो, एक प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर लो। सेकंड है डेवलप अ बिजनेस प्लान। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उससे पहले एक सॉलिड प्लान बनाओ कि आप जो ब्रांड बनाना चाहते हो किस टाइप का ब्रांड होगा, कौन आपका कॉम्पिटिटर होगा, या फिर आप जो प्रोडक्ट बेचोगे वो व्हाइट लेबल होगा या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। व्हाइट लेबल बेसिकली क्या होता है, आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो उसमें अपना ब्रांड चिपकाते हो और आगे आप उसको बेच देते हो, ठीक है, वो होता है व्हाइट लेबल। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आप खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करवानी है या फिर व्हाइट लेबल लगा के आपको आगे बेच देना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा बेस्ट होता है बट इसकी कॉस्ट जो होती है थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये चीज एक बिजनेस प्लान बना लो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है कौन होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, आप व्हाइट लेबल करोगे फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाओ कि आगे जाके आपका ब्रांड किस टाइप से दिखना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं बेवकूफ का, bewakoof.com, ठीक है। वो पहले से सोच के रखा था कि मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट वाले शर्ट बेचूंगा, यानी ट्रेन में जो भी मेम्स आएगा उस मेम्स को मैं प्रिंट आउट करूंगा अपने टी शर्ट में और उसको मैं आगे बेच दूंगा। उसने पहले से ही प्लान बना के रखा था और मार्केट में इसको एग्जीक्यूट किया और मार्केट ने उसको अपनाया और उसकी ब्रांड आज करोड़ों की हो गई। तो इसलिए आपके पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना ही चाहिए। थर्ड है दोस्तों सप्लायर। सप्लायर इन द सेंस आप अगर व्हाइट लेबल बिजनेस करते हो तो उसके लिए आप क्लोथ कहां से लाओगे, या फिर आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसका जो फैब्रिक होगा वो आप कहां से सप्लाई करोगे। क्योंकि देखो एट द एंड आपकी जो क्वालिटी है वही आपको आगे लेके जाएगी, आपके ब्रांड को बनाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास जो सप्लायर है ना वो अच्छा होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप में आप एक अच्छा सप्लायर ढूंढो। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो फैब्रिक वगैरह अच्छा है, फिर उसके साथ जो चीजें लग के आएगी, यानी टी शर्ट शर्ट के साथ जो चीजें लग के आती है वो आप इंपोर्ट कर रहे हो, वो किसी सप्लायर से ले रहे हो, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी मार्केट में आपका नाम बनेगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा सप्लायर आपको ढूंढना पड़ेगा। फोर्थ नंबर है दोस्तों डिजाइन। जब भी आप क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि मार्केट में अभी कौन से डिजाइन का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। जब उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो मार्केट में वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा चलेगी। जैसे कि हम बेवकूफ की बात करें तो वो भी यही करता है, मार्केट में कौन सा मेम चल रहा है वो देखता है और उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट निकालता है। और बेवकूफ जैसे बहुत सारे क्लोथ बिजनेस है जो सारे लोग यही चीजें अपनाते हैं। तो डिजाइनिंग के लिए आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हो या फिर अपने लोकल डिजाइनर को हायर करके आप क्लोथ की डिजाइन क्रिएट करवा सकते हो और मैन्युफैक्चरिंग में वो सारी चीजें आप बनवा सकते हो। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों फाइंड अ मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर। दोस्तों आप अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा के बेचना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक पार्टनर चूज करो जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। क्योंकि सारी चीजें ना आप नहीं कर पाओगे, आप मार्केटिंग संभालोगे, डिजाइन संभालोगे, अपना बिजनेस प्लान बनाओगे, उस चीजों को मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे, रिसर्च करोगे कि आप प्रोडक्ट बनाने बैठोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हायर करना पड़ेगा, वो कोई भी हो सकता है, फिर आपका कोई अगर दोस्त है जो ये सारी चीजें संभाल सकता है तो उसको वो डिपार्टमेंट दे दो, या फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाओ और उसके साथ अपना प्रोडक्ट आप बनाओ और उसको मार्केट में बेचो। सिक्स नंबर पे दोस्तों बजट एंड प्राइसिंग। दोस्तों जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे उसमें कुछ फंड लगेंगे, वो फंड कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, आपको उस हिसाब से बजट बनाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले बोला था कि यार एक प्रोडक्ट यानी एक नीश के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि उससे क्या होगा,
बजट जो है पैसे जो है कम खर्च होंगे, तो स्टार्टिंग में आप एक ही प्रोडक्ट लो और बाद में जाके आप उसका वैरायटी बना सकते हो। तो एक प्रोडक्ट इसीलिए बोला ताकि आपका बजट सही तरीके से यूज हो। तो आपको सबसे पहले बजट बनाना होगा कि यार मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग को देना है तो कितना पैसा दूंगा, और मार्केटिंग के लिए हम कितना पैसा खर्च करेंगे। सारी चीज आपको बजटिंग में तैयार करनी है। साथ ही साथ प्राइसिंग आपको देखना पड़ेगा कि एक जो टी शर्ट या फिर शर्ट का बिजनेस है, तो एक जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी कॉस्ट क्या हो रही है। क्या उसका कॉस्ट 100 रुपए में हो जा रहा है, 100 रुपए में होने के बाद उसकी मैं डिलीवरी या फिर मैं शॉप में रख रहा हूँ या फिर उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, उसके बाद मैं जिस रेट में उसको बेच रहा हूँ उसके बाद क्या मुझे प्रॉफिट हो रही है, ये सारी चीज़ें प्राइसिंग में आती है। यानी एक टी शर्ट बनाने के बाद उसका प्राइस क्या रखोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है कि एक प्रोडक्ट आप बना के बेच भी रहे हो तो आपका उसमें से मार्जिन अच्छा बन रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें बजट और प्राइसिंग में आती है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। 7th नंबर पे दोस्तों, चूज अ ब्रांड नेम और लोगो। दोस्तों जब भी आप एक बिजनेस बनाते हो ना, तो उसका एक अच्छा ब्रांड नेम होना चाहिए। अब ब्रांड नेम आप कैसे चूज करोगे, ये बहुत बड़ी थ्योरी है जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके ऊपर मैं और एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कैसे आप एक ब्रांड का नाम चूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप एक बिजनेस बनाते हो तो उसके लिए एक अच्छा सा लोगो और उसका अच्छा सा ब्रांड नेम चूज करो। नेम कुछ इस टाइप से होना चाहिए जो कैची हो और नेम से पता चले कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर आप अगर स्टाइलिश प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका नाम भी थोड़ा स्टाइलिश थोड़ा यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट नाम सुनकर अभी आपको लगता है कि उसमें मतलब अच्छे क्लोथ्स आपको मिलेंगे। फ्लिपकार्ट नाम जब भी आपको बोलता हो तो आपको ऐसा लगता है हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलेगा। वही अगर मैं बोलूँ अगर मिंत्रा एक यूनिक नाम है, थोड़ा सा वो सुनने में भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डिजाइनिंग क्लोथ्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो नाम ऐसा हो जिससे हमारे ब्रांड के बारे में हमको पता चले। जैसे मेडिसिन के आजकल बहुत सारे वेबसाइट आ गए हैं, तो उसका भी जो नाम होता है, नाम से उसको समझ आ जाता है कि यार उसकी उस वेबसाइट में हमको मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। तो ब्रांड नेम कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा हटके होना चाहिए जो कि थोड़ा सा कैची हो। कैची होने के साथ साथ आपके कस्टमर को वो याद रहे और आपके बिजनेस को वो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो एक ब्रांड नेम आपको इस तरीके से चूज करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कैसे आप अपने ब्रांड का नाम चूज कर सकते हो, तो वो वीडियो देखना है। तो यार चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और उस वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो। एंड लास्ट 8th नंबर दोस्तों, वो है मार्केटिंग। दोस्तों आप अगर सारी चीजें करते हो, परफेक्टली करते हो, बट अगर आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हो ना, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आपके पैसे रुक जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मार्केटिंग सही से करो। देखो हर बंदे के अंदर हर टैलेंट नहीं होता है, तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मार्केटिंग के लिए आप किसी को हायर कर सकते हो या फिर आप चीजें सीख सकते हो। तो मैं तो प्रीफर करता हूँ, अगर मेरा खुद का बिजनेस होता, मुझे मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज है, फिर भी मैं को फाउंडर रखता या फिर एक बंदा रखता जिसको मार्केटिंग का अच्छा खासा नॉलेज हो। मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया आज के टाइम बहुत ही बेस्ट चीज है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जहां से आप अपने ब्रांड की प्रमोट कर सकते हो। माइक टच हो गया। मार्केटिंग के लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे कैसे आप यूट्यूब में प्रोडक्ट बेच सकते हो, यूट्यूब से प्रोडक्ट बेच सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम के जरिए आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है, इन सारे टॉपिक में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो जब आप ये सारी वीडियोस देखोगे तो आपका माइंड खुल जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कैसे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो मार्केटिंग सबसे मेन होता है आप अगर एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करते हो। तो मैंने जो यह 8 पॉइंट आपको बताया, ये 8 पॉइंट को आप फॉलो करना। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि यार एक बिजनेस शुरू करने से पहले सिर्फ ये 8 स्टेप ही होते हैं। जब आप बिजनेस में घुसोगे तो आपको नई नई चीज़ें पता होगी, बट जब आप बिजनेस में घुसते हो ना, जितना कम नॉलेज आपके पास रहेगा उतना ज़्यादा सही है। अदरवाइज क्या होता है, ज़्यादा नॉलेज इंसान को ज़्यादा डराता है और वो स्टेप लेने से डरता है। तो मैंने कुछ कॉमन चीज़ें बताई है, कुछ कॉमन ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और ज़्यादा नॉलेज मत लो, बस कूद पड़ो और बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे मैं खत्म करूंगा। हम दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में। मैं सोच रहा हूँ मार्केटिंग के ऊपर कुछ वीडियो लाऊं, किस टाइप का वीडियो लाओ आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइप की वीडियो आप सभी के लिए मैं ले आ सकूं। तो दोस्तों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, लाइक करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ती है और एंगेजमेंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा और नई वीडियोस आए, और उससे क्या होगा, हमारी एक अच्छी कम्युनिटी भी बिल्ड होगी। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे खत्म करूंगा, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों बाय, टेक केयर।